आज हम यहाँ पर टू स्टेप कन्वर्जन देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट टेन कन्वर्जनस हम यहाँ पर देखेंगे एलिफेटिक कन्वर्जन इसके अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पर कन्वर्जन देखी है एसीटाइलिन टू एसिटिक एसिड एसीटाइलिन से एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्जन कैसे करेंगे सी एच थ्री सी ओ एच के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि हमें ये पता है एसिटिक एसिड जो है वो यहाँ पर अगर हम ऐसी का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो सकता है एसिटिक एसिड के अंदर और ऑक्सीडेशन किससे कराएंगे के टू सी आर टू ओ सेवन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीडेशन से एल डी हाइड कन्वर्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर लेकिन अगर हमने यहाँ पर एसी लिया ऐसी की रिएक्शन हम यहाँ पर करते हैं डाल्यूट एच टू एस ओ फोर और डाल्यूट एच ट्री एस ओ फोर की प्रेजेंस में तो ये यह यहाँ पर एसीटेल हाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है ये रिएक्शन हमने की है और इससे एसीटाइलिन एसीटेल हाइड के अंदर कन्वर्ट होगा लेकिन अगर हम एक और यहाँ पर कन्वर्जन देखें एसीटाइलिन को हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया है एसिटिक एसिड के अंदर अगर एक और कन्वर्जन यहाँ पर देखें इसके अंदर हम यहाँ पर को अल्कोहल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते थे अल्कोहल के अंदर भी हम यहाँ पर इसको लेके जा सकते थे इथाइल अल्कोहल के अंदर कैसे लेके जा सकते हैं इसको इथाइल अल्कोहल के अंदर हम यहाँ पर कन्वर्ट करते इसका रिडक्शन करवा देते हैं एन के साथ में सेकेंड कन्वर्जन हो जाएगी यहाँ पर रिडक्शन कर दिया एन की प्रेजेंस में ईथर के साथ में यहाँ पर और इथानोल हमारे पास में बनेगा ये हो गई हमारे पास में यहाँ पर सेकेंड कन्वर्जन दो कन्वर्जन हमने यहाँ पर देख ली ठीक है तो ये यहाँ पर हमने दो कन्वर्जन्स देखी एसिटाइलिन टू एसिटिक एसिड एंड एसिटाइलिन टू इथानोल उसके बाद देखो थर्ड कन्वर्जन हमारे पास में यहाँ पर तो यहाँ पर हमने थर्ड uh, कन्वर्जन के अंदर जो है वो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना है एसीटेल के अंदर ठीक है हम यहाँ पर एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करेंगे एसिटेल के अंदर दो स्टेप में कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी हमने यहाँ पर अगर आ, ये रिएक्शन देखें तो हमारे पास में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करते हैं पी फाइव के साथ ठीक है ये क्या करता है यहाँ पर ये एसिटाइल क्लोराइड के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा एसाइलेशन की रिएक्शन है यहाँ पर और इसमें पी ओ सी एल थ्री और एच सी एल यहाँ से बाहर निकलेगा हमारे पास में क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी ओ सी एल एसीटाइल क्लोराइड और यहाँ पर रोजनमंड्स रिडक्शन रिएक्शन लगा दो और ये यह यहाँ पर जो एसिटाइल क्लोराइड बना है ये रोजन रिडक्शन रिएक्शन से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एसिटेल्टी के अंदर क्या होता है इसका रिएजेंट हमारे पास में रोजन रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन पैलेडियम की प्रेजेंस में बेरियम सल्फेट के साथ में ठीक है ये हम यहाँ पर रिएजेंट यूज़ करते हैं रोज़न रिडक्शन से हम यहाँ पर ये कन्वर्ट कर सकते थे रिडक्शन में एसीटाइल क्लोराइड को एसीटेल के अंदर ठीक है ये हमारी हो गई यहाँ पर थर्ड कन्वर्जन एसिटिक एसिड टू एसिट हाइट तो एक तरह से हमने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को एल में कैसे कन्वर्ट करेंगे अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम हमारे पास में प्रेजेंट है तो ये देख लिया इसके बाद नेक्स्ट एक कन्वर्जन देखते हैं इसके अंदर एसिटिक एसिड को ही लिया हमने और कन्वर्ट किया है यहाँ पर एसिटिक एसिड को प्रॉपर के अंदर ठीक है यानी कि एसिड के अंदर तो यहाँ पर हम एक कार्बन आइटम का इंक्रीज भी देख रहे हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें ये यह कन्वर्जन यहाँ पर करना है अभी यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट से इसकी रिएक्शन कर दो एसिटिक एसिड की जिससे कि हमारे पास में यहाँ पर क्या बनेगा एसिटिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम की दो बैलेंसी होती है तो यहाँ पर हमारे पास में कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा सी एच टी सी ओ और सी एच थ्री सी ओ ये नेगेटिव दो हैं हमारे पास में रेडिकल जो कि कैल्शियम टू पॉजिटिव के साथ में जाके यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे यानी कि कैल्शियम एसीटेट हमारे पास में यहाँ पर बन रहा है और इसके अंदर आ, क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा ये कैल्शियम एसीटेट बनाए यहाँ पर इसको आ, हीट करो यहाँ पर हीट करने से यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से बाहर निकलेगा सी ए सी ओ थ्री ठीक है ये सी ए सी ओ थ्री यहाँ से बाहर निकला और हमारे पास में बचा क्या सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री ये बच गया हमारे पास में ठीक है और कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया तो ये थी हमारे पास में यहाँ पर फोर्थ कन्वर्जन फोर्थ कन्वर्जन में हमने यहाँ पर देखा एसिटिक एसिड को इसमें कन्वर्ट करते हुए एसीटोन के ठीक है प्रोपानोन के अंदर तो ये थी फोर्थ कन्वर्जन हमारे पास फिफ्थ कन्वर्जन देखते हैं यहाँ पर इसके अंदर यहाँ प्रॉपन एसिड लिया हमने ठीक है तीन कार्बन आइटम का कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है प्रोपानोइक एसिड दो स्टेप की कन्वर्जन करनी है यहाँ पर और इसको थ्री पेंटानोन में कन्वर्ट करना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ पर किटोन ही बनाना है लेकिन यहाँ पर दो कार्बन आइटम का हम इंक्रीज देख रहे हैं ठीक है अब ये बताओ यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे ये वाला हम कन्वर्जन कैसे करेंगे अभी इसके अंदर सेम वैसे ही हम यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करें कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करोगे यहाँ पर ये यह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकल जाएगा और कैल्शियम प्रॉपर हमारे पास में यहाँ पर बचेगा ठीक है ये जो है यहाँ पर कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट सी एच थ्री सी एच टू सी ओ नेगेटिव और सी एच थ्री सी एच टू सी ओ नेगेटिव ये दो हैं हमारे पास में यहाँ पर नेगेटिव रेडिकल्स के, से कैल्शियम के टू प्लस रेडिकल से यहाँ पर कंबाइन करके कैल्शियम प्रॉपर बनाएंगे और इसका ड्राई डिस्टिलेशन कर दो यहाँ पर ड्राई डिस्टिलेशन से कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकाल दो कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारे पास में यहाँ से बाहर निकल जाएगा और क्या मिल जाएगा इसके अंदर हमें आ, ये थ्री पैंटानोल तो ये थी हमारे पास में फिफ्थ रिएक्शन इसके अंदर हमने यहाँ पर प्रोपानोइक एसिड प्रोपानोइक एसिड को कन्वर्ट किया है किसके अंदर थ्री पैंटानोन के अंदर ये यहाँ पर थ्री पैंटानोन बन रहा है तो ये फाइव कन्वर्जनस हमने यहाँ पर देखे इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन यहाँ पर इसमें सिक्स कन्वर्जन के अंदर हमने यहाँ पर फॉर्मिक एसिड लिया है फॉर्मिक एसिड एक कार्बन आइटम का कार्बोक्सलिक एसिड है और इसको एक ही कार्बन आइटम के एल्डिहाइड के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे यहाँ पर एक ही कार्बन आइटम के एल्डिहाइड यानी फॉर्मेल्डिहाइड में हमें यहाँ पर इसे कन्वर्ट करना है तो आ, सेम यहाँ पर यही प्रोसीजर चलेगा इसके अंदर भी ठीक है फॉर्मिक एसिड टू फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर भी यही होगा इसको रिएक्ट कराओगे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में यहाँ पर सेम इसी तरह से हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और यहाँ कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा एच सी ओ एच सी <coughs> ओ कैल्शियम फॉर्मेट का सॉल्ट बन गया ड्राई डिस्टिलेशन किया यहाँ पर और ड्राई डिस्टिलेशन से हमारे पास में यहाँ पर ये यह फॉर्मेलिटी देगा यानी कैल्शियम फॉर्मेट से हमारे पास में यहाँ पर फॉर्मेलिटी बन गया तो ये कुछ हमारे पास में यहाँ पर रिएक्शन है कन्वर्जन है जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कैसे हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया फॉर्मिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड को एल के अंदर कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे यहाँ पर कन्वर्जन देखते हैं इसके अंदर वन प्रोपेनॉल को कन्वर्ट करेंगे टू ब्रोमो प्रोपेन के अंदर ठीक है यहाँ पर हमने रिएक्टेंट लिया है वन प्रोपेनॉल सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच और कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर ये बहुत ही आसान है कन्वर्जन तो दो स्टेप के अंदर क्लास इलेवन में भी आपके कन्वर्जन आ चुकी है तो यहाँ पर इसको कैसे कन्वर्ट करूँ इसमें आ, हमारे पास जो है एच बी आर का एडिशन होगा ठीक है किसके अंदर होता है एच बी आर का एडिशन एल्कि के अंदर होता है दो स्टेप में ही करना था तो यानी कि हमें यहाँ पर पहले एल्किन बनाने के लिए एल्कोहल को रिएक्ट कराना पड़ेगा कॉन्क एच टू एस ओ फोर के साथ में जिससे कि ये यहाँ पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन के अंदर सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू और यहाँ पर एच बी आर का एडिशन कर दो कौन सा रूल लगा दें यहाँ पर हम कि हमारे पास में बी आर जो है सी एच के पास में चला जाए मार्कोनिकॉफ्स रूल ये यह यहाँ पर अगर लगाते हैं तो हमारे पास में आ, ये वन जो है टू ब्रोमो प्रोपेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है तो ये हमने यहाँ पर वन प्रोपनोल को कन्वर्ट होते हुए देखा किसके अंदर टू ब्रोमो प्रोपेन के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट होते हुए देखा है ये सेवेंथ कन्वर्जन हो गई हमारे पास एट्थ कन्वर्जन देखो आप एट्थ कन्वर्जन के अंदर हमने यहाँ पर टू प्रोपनोल लिया है ठीक है यहाँ पर सेकेंड कार्बन आइटम पे अगर अल्कोहलिक ग्रुप लेते हैं सेकेंड कार्बन ऐटम पर मान लो हमने ओ लिया और यहाँ पर कन्वर्ट किया इसको फर्स्ट कार्बन एटम पर हिलाइड ला के इसका थोड़ा सा हम यहाँ पर अपोजिट ले रहे हैं इसमें हमने यहाँ पर फर्स्ट कार्बन एटम पर हिलाइड ले आए तो यहाँ पर क्या रिएक्शन सेम वैसे ही यहाँ पर कॉम कैश टू एस ओ फोर के साथ में रिएक्ट कराओगे और फॉर्म कैस टू एस ओ फोर के साथ में हीट करने पर डिहाइड्रेशन से यहाँ पर हमारे पास में डिहाइड्रेशन के लिए कितना टेम्परेचर लेते हैं फोर थर्टी थ्री से फोर फोर्टी थ्री कैलविन सेम कंडीशन रख के हीट करा के हमारे पास में ये एल्किन जनरेट होगी लेकिन यहाँ पर जो एडिशन करोगे एच बी आर का वो एच बी आर का एडिशन हमें अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक रूल यानी कि पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराना है ये हमारे पास में एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लग गया है नेगेटिव पार्ट आ, हमारे पास में एडिंग मॉलिक्यूल का उस कार्बन आइटम पर जाएगा अराउंड द डबल बॉन्ड जो वहाँ पर हमारे पास में ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम सी एच टू के पास में चला जाएगा ये थी हमारे पास में यहाँ पर एर्ट कन्वर्जन ठीक है एट्थ कन्वर्जन के अंदर हमने यहाँ पर देखा टू प्रोपानोल को हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया है वन ब्रोमो प्रोपेन प्रोपेन के के अंदर अंदर वन ब्रोमो प्रोपेन के अंदर इसको कन्वर्ट किया इसके बाद देखो यहाँ पर नाइन्थ कन्वर्जन देखते हैं इसमें आ, हमने यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड सी एच थ्री बी आर को किसमें कन्वर्ट किया है एसिड के अंदर एक कार्बन आइटम का इंक्रीज देख रहे हैं इसके अंदर ठीक है अभी यहाँ पर हमने एक पहले भी बनाया था इससे पहले सेंडिंग ऑफ सीरीज़ का जो एक वीडियो बनाया था उसके अंदर देखा था आपने कि हम यहाँ पर सेंडिंग ऑफ सीरीज कैसे कर सकते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ में तो ग्रिगनाड रिएजेंट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन करा दें मैग्नीशियम और इथर की प्रेजेंस में तो ये यह यहाँ पर ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि सी एच थ्री एम जी बी आर के अंदर अब बोलो यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कि रिएक्शन किससे करें कि एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए यहाँ पर ये रिएक्शन कर दो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कर दो और सेकेंड uh, स्टेप में यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस वाटर की प्रेजेंस में ये यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये यहाँ पर आ, कन्वर्जन हो रही है एक कार्बन आइटम का हमारे पास में यहाँ पर एल्काइल है लाइट था मिथाइल ब्रोमाइड और इसकी हमने यहाँ पर कन्वर्जन की है किसमें एसिटिक एसिड असेट के उसके बाद टेंथ देखो यहाँ पर कन्वर्जन टेंथ कन्वर्जन के अंदर क्या करना है टेंथ में आ, हम यहाँ पर मिथनोल से एसिटिक एसिड असेट के अंदर लेके जाएंगे थ्री OH से हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया एसिटिक एसिड के अंदर ये आसान है बिल्कुल यहाँ पर मिथेनोल से एसिडिक एसिड के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे तो मिथेनोल को जो है हम यहाँ पर पहले तो रिएक्ट करा देते हैं फॉस्फोरस वो ब्रोमीन के साथ में जो कि पी बी आर थ्री यहाँ पर बनेगा इसका हेलाइड बनाया है हेलाइड को तो हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी हम ऊपर ही देख के आए हैं कि इसकी रिएक्शन यहाँ पर सेम ये भला कर दो इसके साथ में मैग्नीशियम और इथर की प्रेजेंस में तो ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट बन जाएगा यहाँ पर सी एच थ्री एम जी बी आर का यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करा दो ठीक है हाइड्रोलाइसिस कराने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड के अंदर तो ये थी हमारे पास में टेंथ कन्वर्जन यहाँ पर जिसमें हमने देखा मिथनुल को कन्वर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर एक कार्बन आइटम का इंक्रीज़ करके एसिटिक एसिड में असेंडिंग ऑफ सीरीज के अंदर ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट की हेल्प से कन्वर्जन की जाती है यहाँ पर ठीक है तो ये थी हमारे पास में टेन इम्पॉर्टेंट कन्वर्जनस जो कि हमने यहाँ पर देखी एलिफेटिक कन्वर्जनस में टाइप वन टू स्टेप कन्वर्जन है सिर्फ दो स्टेप के अंदर कैसे कन्वर्जन यहाँ पर हो सकती हैं ठीक है थैंक यू